हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक स्टूडेंट्स अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी की हेल्प लेते हैं तो इसमें काफी अधिक टाइम लगता है और मिस्टेक होने की भी संभावना होती है वहीं अगर हम ट्रिक की हेल्प लेते हैं तो हम बहुत ही कम समय में आसानी से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं इस वीडियो में हम डाई एटोमिक स्पेसीज एंड रेजोनेटिंग स्पेसीज दोनों में बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक को सीखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं की हमें सबसे पहले लिखना है 14, फिर 15, 16, 17, और ठीक इसी तरह से ऊपर लिखना है लिखना है थ्री और जैसे जैसे हम थ्री के नीचे जाएंगे पॉइंट फाइव डिक्रीज करते जाना है यानी कि टू पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव एंड वन ठीक इसी तरह से जैसे जैसे हम थ्री के ऊपर जाएंगे वहां भी पॉइंट फाइव डिक्रीज करते जाना है यानी कि टू पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव एंड वन बाई ओर के नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और दाई ओर के नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर को जैसे कि अगर किसी डाई डाईटोमिक स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्टीन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा थ्री अगर किसी डाइ एटोमिक स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा टू पॉइंट फाइव ठीक इसी तरह से बाकी के नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं तो चलिए इस ट्री को कुछ की हेल्प से समझते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेवन प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर्टीन और फोर्टीन आने पर बॉन्ड ऑर्डर होता है थ्री और टू मोलिक्यूल इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एट प्लस एट इक्वल टू सिक्सटीन और सिक्सटीन आने पर बॉन्ड ऑर्डर होता है टू थर्ड एग्जाम्पल है एन टू प्लस इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेवन प्लस सेवन माइनस वन इज इक्वल टू थर्टीन क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और थर्टीन आने पर बॉन्ड ऑर्डर होता है टू पॉइंट फाइव सीओ मोलिक्यूल इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सिक्स प्लस एट इक्वल टू फोर्टीन और फोर्टीन आने पर बॉन्ड ऑर्डर होता है थ्री तो इस तरह से डाइएटोमिक के केस में इस ट्रिक की हेल्प से आसानी से बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं अब हम सीखेंगे कि रेजोनेटिंग स्पेसिज में यानी कि वे स्पेसीज जिनमें रेजोनेंस होता है जैसे कि कार्बोनेट आयन सल्फेट आयन बेंजीन इनमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें तो रेजोनेटिंग स्पेसीज में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बोल्ड

आपको करना क्या है कि रेजोनेटिंग आयन के फॉर्मूला में जो नंबर लिखा हुआ है वही है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे कि कार्बोनेट आयन में थ्री लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी थ्री होगा सल्फेट आयन में फोर लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी फोर होगा तो अब हमारा एक ही काम बचा हुआ है और वो है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स को गिनना तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स के लिए करना क्या है कि कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो जितने भी बॉन्ड्स आपको दिखते हैं वो है रेजोनेटिंग बॉन्ड्स जो कि कार्बोनेट आयन के गैस में है फोर तो हमारा कार्बोनेट आयन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज इक्वल टू फोर बाय थ्री इसी तरह से सल्फेट आयन के लिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है फोर है एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स टोटल बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज इक्वल टू सिक्स बाई फोर हमारा अगला रेजोनेटिंग स्पेसिज है पीओ फोर थ्री माइनस इसमें भी हम आसानी से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फोर और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव देर फोर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू फाइव बाई फोर सी एल ऑफ फोर माइनस इस रेजोनेटिंग स्पीसीज में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं फोर और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टोटल सेवन इसलिए बॉन्ड ऑर्डर होगा सेवन बाई फोर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज टू एंड टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स इज फोर देयर फोर बॉन्ड ऑर्डर इज फोर बाय टू मींस टू अब बेंजीन के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो साइक्लिक मॉलिक्यूल के केस में हमें उन्हीं बॉन्ड्स को कंसिडर करना है जो कि मूवमेंट में है तो यहाँ पर केवल तीन बॉन्ड्स मूवमेंट में है तो यहाँ तीन रेजोनेटिंग बॉन्ड्स हैं और हम जानते हैं कि बेन्जिन में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू तो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल के लिए हमारा फॉर्मूला डिफरेंट है बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली दो एटम्स के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताता है जैसे कि एन टू मोलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर थ्री है और हम आसानी से देख सकते हैं कि इनके बीच थ्री बॉन्ड्स हैं बेंजीन के केस में बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 शो करता है कि बेंजीन में दो एटम्स के बीच एवरेज वन पॉइंट ऑफ बॉन्ड और 2 के बीच में है तो इस तरह से इन दोनों ट्रिक्स की हेल्प से आप डाईटोमिक स्पीसीज एंड रेजोनेटिंग दोनों स्पेसीज का बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो इसी तरह के और भी केमिस्ट्री ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग